हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न वेल विद शीला मैम। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन क्या होते हैं, इसके बारे में आज हम देखेंगे कि जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से हैं। इसमें हम पढ़ेंगे टू टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। जो टू टाइप के सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो है कॉज। एक तो फर्स्ट है कॉज के लिए कौन सा कंजक्शन यूज़ होगा, और सेकेंड जो है कॉन्ट्रेस्ट, कॉन्ट्रेस्ट के लिए कौन से कंजक्शन यूज़ होंगे, इस वीडियो में आज हम पूरा देखेंगे। तो सबसे पहले चलिए देखते हैं कि कॉज के लिए कौन सा कंजक्शन यूज़ होता है। और अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। कमेंट में जरूर लिखें कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। विदाउट एनी डिले चलिए देखते हैं कि ये जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है वो कौन कौन से है और किस तरह से उनका यूज़ किया जाता है किसी भी सेंटेंस में। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमारा है कॉज, कॉज के लिए कौन से कंजक्शन यूज़ होते हैं। कॉज मीन्स होता है कारण, जो कारण होता है उसके लिए हम यूज़ करते हैं। जो कंजक्शन है हमारा वो क्या होगा, बिकॉज एज सिंस। ओके, तो ये जो दो कंजक्शन है ये यूज़ होते हैं किसी भी कारण को बताने के लिए। अब जो बिकॉज होता है, एज और सिंस किस तरह से सेंटेंस में यूज़ होंगे, सबसे पहले तो देख लेते हैं जो ये बिकॉज है ये कहाँ यूज़ होगा। बिकॉज जो है सो करता है, सो द स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न, यानी बिकॉज क्या करता है, सो करता है स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न को। यानी कोई अगर स्ट्रॉन्गेस्ट रीज़न है तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, बिकॉज को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है सिंस, सिंस शोज नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीजन। जो सिंस है वो क्या करता है, नॉर्मली स्ट्रॉन्ग रीजन को शो करता है। वहीं जो एज है, एज शोज द वीकेस्ट रीजन, यानी एक वीकेस्ट रीजन के लिए क्या शो करता है, एज। अगर ऐसे हमें कोई रीज़न देना है तो ये जो बताने वाला है वो क्या शो करता है, कोई भी वीकेस्ट रीज़न को बताता है। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझ लेते हैं कि किस तरह से बिकॉज, एज और सिंस का यूज़ होगा किसी भी सेंटेंस में। जैसे कि यहाँ पर हमारा जो सेंटेंस है फर्स्ट है, फर्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, आई लाइक दिस फ्लावर बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस। यहाँ जो दिया है, जो बिकॉज यहाँ सेंटेंस में आया है, ये क्या है, सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। यानी क्या किया है, दो सेंटेंस है, सॉरी जो दो ये जो दिया बिकॉज ऑफ इट्स फ्रेग्रेंस, यानी ये क्या है, एक क्लॉज है। और यहाँ पर भी आई लाइक दिस फ्लावर, ये भी क्या है, क्लॉज है। और इस क्लॉज को, यानी टू क्लॉज को, दोनों क्लॉज को जोड़ने वाला जो कंजक्शन है वो कौन सा है, बिकॉज है। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं हम कि जो बिकॉज है वो एक रीज़न बता रहा है, और वो कैसा रीज़न बता रहा है, एक स्ट्रॉन्ग रीज़न बता रहा है कि आई लाइक दिस फ्लावर, मतलब मुझे ये फ्लावर बहुत पसंद है। क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना वो बहुत अच्छी है, उसकी जो खुशबू है वो काफ़ी अच्छी है, इस वजह से मुझे वो फ्लावर जो है पसंद है। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं क्या सेंटेंस है, आई विल कम एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट। क्या बोलता, मैं आऊँगा एज अगर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यदि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो क्या कर सकता हूँ, मैं आऊँगा। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि मैं आऊँगा एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, अगर इम्पॉर्टेंट है तो मैं आऊँगा। यानी क्या शो कर रहा है, एक रीज़न बता रहा है कि अगर ज़रूरी होगा तो आऊँगा, अदरवाइज नहीं। तो ये थोड़ा सा क्या है, एक रीज़न दे रहा है, जो कि क्या है, कंजक्शन का काम कर रहा है एज यहाँ पर, यानी टू क्लॉज को जोड़ने वाला काम कौन कर रहा है, एज। ओके, तो फर्स्ट क्लॉज यहाँ पर आई विल कम, मैं आऊँगा, सेकंड जो क्लॉज है एज इट इज़ इम्पॉर्टेंट, यदि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हुआ तो। नेक्स्ट थर्ड नंबर का क्वेश्चन हम, सॉरी थर्ड नंबर का जो सेंटेंस है वो हम देखते हैं कि थर्ड नंबर का सेंटेंस कौन सा है, दे कैन नॉट कम सिंस इट वॉज रेनिंग। यानी यहाँ पर क्या बोल रहा है कि दे कैन नॉट कम, वो नहीं आ सकते सिंस इट वॉज रेनिंग, क्योंकि क्या हो रही थी, बारिश हो रही थी, तो बारिश हो रही थी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकते हैं। दे के नॉट कम, वो नहीं आ सकते हैं क्योंकि बारिश हो रही थी। तो क्योंकि बारिश हो रही थी, एक क्लॉज ये है क्योंकि बारिश हो रही थी, दूसरी बात उन्होंने कहा कि वो नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ पे जो सिंस हमने यूज़ किया है, ये सिंस यूज़ किस लिए हुआ है, एक कंजक्शन का काम कर रहा है यहाँ पे सिंस। तो यहाँ हमने देखा कि जो कॉज के लिए जो कंजक्शन यूज़ होता है वो कौन कौन सा यूज़ होता है, बिकॉज, एज और सिंस। ये हम क्या करते हैं, कॉज के लिए सेंटेंस में यूज़ करते हैं, यानी कॉज मीन्स कोई भी कारण अगर बताना हो तो। ओके, अब नेक्स्ट हम देखते हैं जो कॉन्ट्रेस्ट, कॉन्ट्रेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अंतर या विरोध बताना। यानी कोई भी सेंटेंस में अगर किसी का अंतर बताना है, कोई विरोध बताना है, तो हम कौन सा कंजक्शन यूज़ करेंगे, जो कॉन्ट्रेस्ट होगा, कॉन्ट्रेस्ट के लिए वो उसमें जो आने वाले हैं वो कंजक्शन हम यूज़ करेंगे। जैसे दो ऑल दो वाइल, यानी दो ऑल दो वाइल, ये जो सेंटेंस और सॉरी जो वर्ड है जिसको हम क्या करेंगे, यूज़ करेंगे अगर कोई भी कॉन्ट्रेस्ट बताना है तो। सपोज़ मेरे पास यहाँ पे सेंटेंस है, जैसे देख रहे हैं हम, शी इज़ वीक दो शी वॉक हार्ड। यानी वो कह रहा है कि वह बहुत कमज़ोर है दो शी वर्क हार्ड, सॉरी वो क्या है, फिर भी वो काम करती है।
यानी वो क्या करती है, काम करती है। एक बार हम फिर से देख लेते हैं, जो हमारा सेकंड है, जो हमारा सेकंड एग्जांपल है वो क्या है, कॉन्ट्रेस्ट के लिए, सॉरी कॉन्ट्रेस्ट के लिए जो बताने वाला है, जो कंजक्शन है वो कौन कौन से, कॉन्ट्रेस्ट को, कॉन्ट्रेस्ट का एग्जैक्ट मीनिंग होता है अंतर या विरोध, यानी क्या करता है, अंतर या विरोध को बताता है। तो ये जो कॉन्ट्रेस्ट है किसी भी, यानी ये जो सेंटेंस में जब भी आते हैं तो दो चीज़ों को बताता है, यानी किसी को विरोध को बताएगा या अंतर को बताएगा। चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल के थ्रू कि किस टाइप के वो सेंटेंस होंगे। ओके, तो यहाँ पर हमने फर्स्ट सेंटेंस जो देखा, वो फर्स्ट सेंटेंस हमारा क्या है, शी इज़ वीक दो शी वर्क हार्ड, यानी ये कहाँ पे क्या कह रहा है कि वह बहुत कमजोर है, दो शी वर्क हार्ड, दो मीन्स होता है यद्यपि, यद्यपि वह काम, मतलब शी वर्क हार्ड, फिर भी वो मेहनत करती है, यानी वो कैसी है, दो चीज़ों को बता रहा है, अंतर बता रहा है कि वो कैसी है, कमजोर है, लेकिन फिर भी, यद्यपि यानी फिर भी वो क्या करती है, शी वर्क हार्ड, वो बहुत मेहनत करती है। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस हम देखेंगे, ऑल दो देयर आर नो होप ही इज स्टिल ट्राइंग, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऑल दो देयर आर नो होप्स ही इज स्टिल ट्राइंग, यानी यदि कोई भी, मतलब कोई आशा नहीं थी, यद्यपि कोई आशा नहीं थी, लेकिन फिर भी क्या हुआ, ही इज स्टिल ट्राइंग, लेकिन फिर भी वह कोशिश कर रहा है। आशा नहीं है कोई भी काम का, मतलब कोई आशा नहीं है, यद्यपि कोई आशा नहीं है, फिर भी क्या हो रहा है, ही इज स्टिल ट्राइंग, वह अभी भी कोशिश कर रहा है, ठीक है, यानी वो कोशिश कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस है थर्ड नंबर, फिनिश योर होमवर्क वाइल आई कुक डिनर, यहाँ पे क्या सेंटेंस है, फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क ख़त्म कर लो, वाइल जब तक मैं क्या करती हूँ, वाइल आई कुक डिनर, तब तक मैं आपका रात का भोजन बनाती हूँ। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो वाइल आया है, ये वाइल क्या है, एक कंजक्शन है, और ये कैसा कंजक्शन है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, क्योंकि हमारे पास टू क्लाउज हैं यहाँ पर, यानी फर्स्ट क्लाउज जो दिया है, शी फर्स्ट क्लाउज क्या, फिनिश योर होमवर्क, अपना होमवर्क ख़त्म करो, एक तो पूरा सेंटेंस हो गया। जो सेकंड सेंटेंस है, आई कुक डिनर, मैं क्या करती हूँ, क्या बनाती हूँ, रात का भोजन बनाती हूँ, जब तक मैं रात का भोजन बनाती हूँ, तो ये जो डिपेंड करता है, ये जो क्लॉज डिपेंड करता है फर्स्ट वाले क्लॉज पे, ठीक है। तो जो फर्स्ट वाला क्लॉज क्या है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और ये क्या है, डिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब यहाँ पे जो दो क्लॉज हमें दिखाई दे रहे हैं, एक क्लॉज क्या होता है, डिपेंड होता है, और एक होता है इंडिपेंडेंट। तो डिपेंड जो होता है वो क्या करता है, जो दूसरे वाले पे डिपेंड होता है, और एक क्लॉज जो होता है ना, वो पूरा ही इंडिपेंड होता है, उसमें हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ओके, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो सेंटेंस है मेरा फोर नंबर का। फोर नंबर जो सेंटेंस हमने क्या लिखा है, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग वाइल हर मदर वॉज वॉचिंग, यहाँ पे क्या हो रहा है, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग, छोटी लड़की खेल रही थी, जबकि उसकी मम्मी क्या कर रही थी, हर मदर वॉज वॉचिंग, जबकि उसकी मदर वॉच कर रही थी, यानी देख रही थी। तो यहाँ जो वाइल आया है, ये भी क्या है, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, और यहाँ पे हम देख रहे हैं कि दो क्लॉज है हमारे पास, फर्स्ट क्लॉज है द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग, एंड सेकंड क्लॉज क्या है, वाइल हर मदर वॉज वॉचिंग, जबकि उसकी मम्मी वॉच कर रही थी, यानी जबकि उसकी मम्मी वॉच कर रही थी, तो क्या वॉच कर रही थी, वो क्या कर रही थी, लिटिल गर्ल क्या कर रही थी, प्लेइंग कर रही थी, द लिटिल गर्ल वॉज प्लेइंग, यानी जब लिटिल गर्ल जो खेल रही थी, तो उसकी मम्मी क्या कर रही थी, उसको वॉच कर रही थी। तो यहाँ हमने देखा कि जो कंजक्शन है कौन कौन से है, कॉन्ट्रेस्ट में कौन कौन से कंजक्शन यूज हुए हैं, दो, ऑल दो, वाइल, ठीक है। और यहाँ पर हमने देखा कि सेंटेंस में किस तरह, जैसे यहाँ पे ऑल दो है, ये कंजक्शन का काम कर रहा है, सेम उसी तरह से यहाँ पे दो है, ये भी कंजक्शन का काम कर रहा है, तो दो यहाँ कंजक्शन या ऑल दो कंजक्शन है, हियर वाइल, एंड यहाँ इन दिस सेंटेंस में भी क्या है, वाइल जो है एक कंजक्शन का काम कर रहा है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो सब ऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, फर्स्ट क्या है हमारा, कॉज के लिए, और सेकंड जो है कॉन्ट्रेस्ट के लिए, किस तरह से अगर सेंटेंस होंगे तो इसमें किस टाइप के कंजक्शन यूज़ होंगे, इस वीडियो में हमने पूरा क्लियर कर दिया। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।